ये सिर्फ हमारे देश भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ही बता सकते हैं। जो चर्चा है, जो चर्चा चल रही है, उसमें हम लोग सम्मिलित प्रधानमंत्री का नाम कब तक तय हो पाएगा सर? ये सिर्फ हमारे देश भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ही बता सकेंगे। कुछ चर्चाएं चल रही हैं कि कब तक, क्योंकि इंतजार लंबा हो चुका है जो सुनने में चर्चा आ रहा है, है। जो चर्चा चल रही है, उसमें हम लोग सम्मिलित नहीं क्या हैं। रविवार तक कुछ नाम आपको लगता है कि डिक्लेयर होंगे? इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि मैं उस चर्चा में सम्मिलित नहीं हूँ। सर आपकी मुलाकात हुई सर किसी से, मोदी जी से या नड्डा जी से, शाह जी से, अमित शाह जी से? मेरी मोदी जी को छोड़कर सबसे मुलाकात हुई, बाकी इस विषय में कोई चर्चा नहीं है। तो सर हम जिज्ञासु लोग कब तक सर उम्मीद लगाएं मध्य प्रदेश के नए सीएम के चेहरे की? इंतजार का फल मीठा होता है। तो आपके कार्यकर्ता उम्मीद कर रहे हैं, आप भी बने। और कुछ आपका भी नाम चर्चाओं में चल रहा है क्या, उसको लेकर कुछ कहना आप चाहिए? जो कर दें वो कम है, पत्रकारों की दुनिया है ये। पत्रकार कांग्रेस जिसका नाम चला दे उसका चलने लगता है। कांग्रेस सर फिर आज पूरे दिग्विजय सिंह जी बाहर निकले थे, ईवीएम पर सर सवाल उठाया सर दिग्विजय सिंह जी ने, ईवीएम पे कालिख पोती है और भूपेश बघेल जी कहते हैं कि ईवीएम का नाम लेते ही बीजेपी वालों को मिर्ची लग जाती है। देखिए ऐसा है कि जब उनका बेटा चुनाव जीतता है तो वो ईवीएम अच्छा है, जब वो हिमाचल प्रदेश में जीतते हैं तो ईवीएम अच्छा हो जाता है, जब वो कर्नाटक में जीतते हैं तो ईवीएम अच्छा होता है। मैंने परिणाम वाले दिन ही ट्वीट कर दिया था कि अब ईवीएम की बारी है, बेचारे ईवीएम का क्या होगा। तो मुझे मालूम है कि कांग्रेस हारती है तो वो अपनी कमियों को नहीं देखती है, वो ईवीएम पे दोष सर कैडरबेस पार्टी 3 दिन का लंबा समय नहीं हो गया, अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया कौन बनेगा? नहीं, कोई संविधान के अंदर है क्या ऐसा कितने दिनों बन जाना चाहिए? हमारी जब अनुकूलता होगी तब पार्टी तय कर देगी। अभी पार्लियामेंट भी चल रही है और बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही है। एक लाडली बहना को लेकर आपका बयान बड़ा सुर्खियों में रह रहा है कि आप लाडली बहना से ज्यादा क्रेडिट मोदी इफेक्ट को दे रहे हैं, उसको थोड़ा क्लियर करिए। उसके मायने कहीं निकाले जा रहे हैं कि आप एंटी शिवराज सिंह चौहान है ऐसा? देखिए ऐसा है कि राजस्थान में भी हम जीते, वहाँ लाडली बहना नहीं थी। हम छत्तीसगढ़ में भी जीते, वहाँ भी लाडली बहना नहीं थी। मध्य प्रदेश में हम जीते, वहाँ लाडली बहना थी। पर एक व्यक्ति तीनों जगह था जिनके नेतृत्व में चुनाव हो रहे थे, वो नरेंद्र मोदी जी, वो तीनों जगह थे। और मैं तो हमसे बड़ी, मध्य प्रदेश से बड़ी विक्ट्री छत्तीसगढ़ की मानता हूँ, तो बहुत बड़ी जीत हुई है वहाँ पर। और इसलिए ये जो भी जीत का श्रेय है वो हम मोदी जी को है, अमित शाह जी की रणनीति को है। नड्डा जी ने जो पोलिंग बूथ और पन्ना प्रमुख तक टीम बनाई है पूरे देश के अंदर, उसका परिणाम। सर सर एक जरूरी सवाल सर, जिस तरह शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद का ना दावेदार पहले था ना अब हूँ और मिशन 29 स्टार्ट करा है, साथ ही राजनाथ सिंह जी का भी बयान आया कि इस बार जो 24 के चुनाव होंगे बीजेपी 350 पार जाएगी और एनडीए 400 प्लस होगी, उसको लेकर क्या कहेंगे इन दो सवालों से? बिल्कुल सही कहा, राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि एनडीए 400 प्लस होगी, और शिवराज जी ने जो कहा वो भी बिल्कुल ठीक है। हम शिवराज जी के पीछे सब लोग मिलकर 29 सीट लाएंगे मध्य प्रदेश के। सर छिंदवाड़ा के लिए क्या कमलनाथ जी है? जी कमलनाथ जी सर दिल्ली चले गए, कमलनाथ जी नहीं, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि चुनाव के बाद या तो दिल्ली दिखेंगे या विदेश में दिखेंगे। सर छिंदवाड़ा की चीज सीट चैलेंज होगी 29 की 29 जो मध्य प्रदेश उसमें से निकालना, छिंदवाड़ा से लगातार कमलनाथ जी जीतते रहे, कमलनाथ के बेटे जो है नकुलनाथ वो जीत रहे हैं, तो किस तरह से आप देख रहे हैं? वो प्लान आपको बता देंगे क्या? नहीं जीतेंगे हम, बस प्लान नहीं बताएंगे।